हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आप अपने सैमसंग का कोई सा भी एंड्रॉयड डिवाइस में, आप अपने एंड्रॉयड वन यूआई की तरह पाई थीम अपने कोई सा भी डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया लुक दिखेगा आपका, एंड्रॉयड वन यूआई की तरह आइकन एकदम चेंज हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये मेरा ओरियो ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे ओरियो का थीम यहाँ पे इंस्टॉल है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, आप अपने सैमसंग का कोई सा भी एंड्रॉयड डिवाइस में आप अपने वन यूआई की तरह हम अपना थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। सिर्फ आपके सैमसंग के फ़ोन में थीम स्टोर होना चाहिए, चाहे वो मार्समेलो और लॉलीपॉप और यहाँ पे नॉगेट ओरियो क्यों नहीं हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपके डिवाइस में थीम स्टोर होना चाहिए, बस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा यहाँ पे थीम स्टोर है, बस आपके फ़ोन में यही होना चाहिए। आप बाकी आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं अपना वन यूआई की तरह थीम, और आपका आइकन भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं हर रोज़ अपने चैनल पर ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूं। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको करना है सिर्फ आपको एक ऐप इंस्टॉल करना होगा। मैं उस ऐप का लिंक अपने फ़ोन में दे दूँगा, आप अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप अपने ऐप का लिंक, आप अपने ऐप का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों आप मैं यहां पे मैं बता रहा हूं आपको कि कैसे उस ऐप को इंस्टॉल करना है। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप वीडियो हम समझ नहीं पाएंगे कैसे इस थीम को इंस्टॉल करना है। दोस्तों ये ऐप है सैमसंग S10 वन UI थीम, यहाँ पर देख सकते हैं। इसको आप अपने फ़ोन में अनजिप कर लेना है इस तरह। मुझे यहाँ तक मालूम है कि सैमसंग के डिवाइस में कोई भी अनजिप करने के लिए जेड रिसीवर का ऐप का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सैमसंग के फ़ोन में ये अनजिप हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसे अनजिप करना है आपको। मैं पहले से अनजिप किया हूँ इस तरह, तो एक बार मैं फिर से आपको करके दिखा दे रहा हूँ अनजिप। यहाँ पे मेरा अनजिप हो चुका है। दोस्तों ये ऐप इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे ऐप थीम स्टोर में ये पहले से इंस्टॉल नहीं है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर कि आपके फ़ोन में ये पहले से इंस्टॉल नहीं है, वीवाल पे करके यहाँ पे देख सकते हैं। ये मेरा मैं पहले से ये सब इंस्टॉल किया हूँ, और जो भी थीम इंस्टॉल होता है यहाँ पे ऊपर शो करते हैं, आप जानते ही होंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे इंस्टॉल करना है, स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखते रहिए पूरा। मैं जा रहा हूँ अपने ऐप में उस जो यहाँ पर अनजिप किया था उस ऐप को इंस्टॉल करने। इस ऐप का नाम है S10 वन UI थीम, यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ। काफ़ी आपका बढ़िया फ़ोन का लुक दिखने वाला है वन यूआई की तरह, आपके आइकन भी एकदम चेंज हो जाएंगे वन यूआई की तरह। दोस्तों आप अपने कोई सा भी एंड्रॉयड डिवाइस में इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, बस उसमें आपका थीम स्टोर होना चाहिए, और उसमें भले ही मार्समेलो या नॉगेट या ओरियो हो, आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं इस थीम को। जहाँ तक हमें उम्मीद है कि ये लॉलीपॉप में शायद वर्क करे या ना करे, बाकी ये ओरियो नॉगेट और मार्समेलो को ये वर्क करेगा ज़रूर, सिर्फ आपके फ़ोन में थीम स्टोर होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे गैलेक्सी S10, ये पे S10 का यहाँ पे लुक दिया गया है इस थीम को, एकदम वन UI की तरह आपका आइकन चेंज हो रहा है, आइकन हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पर इंस्टॉल हो गया। मैं इसे डन करता हूँ, मैं आपके आप अपने थीम स्टोर में जा रहा हूँ, आप आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि आप वो थीम इंस्टॉल हुआ है या नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हुआ है। दोस्तों आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं इसे फिर से दोबारा इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर आपके फ़ोन में भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप फिर से जाइए, आप उस ऐप को दोबारा से इंस्टॉल कर लीजिए, वो आपके थीम स्टोर में शो होने लगेगा। मैं यहाँ से फिर से इसे दोबारा इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, यहाँ पर इंस्टॉल करके ये फिर से इंस्टॉल करना होगा। दोस्तों अगर आपके फ़ोन में भी ये पहली बार में आपके थीम स्टोर में शो नहीं करता है, तो आप इसे जाकर अपने इस थीम को दोबारा इंस्टॉल कर लेना है। दोबारा इंस्टॉल करने के बाद आपके बाद ये थीम आपको आपके थीम स्टोर में दिखने लगेगा, आप उसे आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा और टाइम लेगा, यहाँ पर इंस्टॉल होने वाला है। दोस्तों मैं अपने चैनल पर हर रोज़ मोबाइल अपडेट रिलेटेड वीडियो और ऐसा वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
दोस्तों ये थोड़ी देर में इंस्टॉल होने वाला है, इंस्टॉलिंग हो रहा है। काफ़ी बढ़िया लुक हो जाएगा आपके फ़ोन के, कोई सा भी एंड्रॉयड डिवाइस सैमसंग का होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डन हो चुका है, यहाँ पे डन कर दिया। फिर जा रहा हूँ यहाँ पे मैं डायरेक्ट कट करके अपने थीम स्टोर में देखूँगा, यहाँ पे थीम यहाँ पे इंस्टॉल आया है। सो दोस्तों यहाँ पे फाइनली यहाँ पे मेरा थीम इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं वी वाल, यहाँ पे वन यू आई सैमसंग थीम, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ लिखा है गैलेक्सी S10। दोस्तों इस थीम को आपको इंस्टॉल करना है। इसका इंटरफेस देख सकते हैं इसका कैसा है। तो यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए ट्राई इट आउट, यहाँ पे ये ट्रायल है, लेकिन आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके फ़ोन में हमेशा अवेलेबल रहेगा। ये ट्रेल है, लेकिन आपको यहाँ पे ट्रेल वर्जन में आपको सिर्फ 10 या 5 मिनट तक यूज करना होता है, लेकिन ये आप इसे हमेशा यूज कर सकते हैं। इस थीम को देख सकते हैं यहाँ पे, या सो लुकिंग गुड। यहाँ पे एकदम आपका वन यूआई के तरह आपका आइकन चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सारा आइकन आपका वन यूआई की तरह शो कर रहा है, देख सकते हैं। दोस्तों ये मेरा फ़ोन सैमसंग गलेक्सी J7 नेक्स्ट है। आपका फ़ोन कौन सा है आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों आपके फ़ोन में ये थीम नहीं इंस्टॉल हो रहा है तो मुझे नीचे कमेंट करके वो भी बताइएगा। दोस्तों इसका आइकन देख सकते हैं, इसका आइकन एकदम वन यूआई की तरह हो गया है, देख सकते हैं वन यूआई की तरह आइकन हो गया इसका। इसका बात करें हम नोटिफिकेशन पैनल की, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन पैनल भी यहाँ का बिल्कुल वन यूआई पाई की तरह यहाँ पे हो चुका है आपका। इसका सेटिंग की बात करें तो इसका सेटिंग भी हम देख लेते हैं। सो लुकिंग गुड, यहाँ पे सो कूल, कितना कूल दिख रहा है हमारा सेटिंग ऑप्शन भी। तो दोस्तों इस तरह आप अपने यहाँ पे मैसेज का देख ले रहे हैं, यहाँ पे मैसेज भी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। दोस्तों इस तरह आप अपने फ़ोन में इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने कोई सा भी एंड्रॉयड सैमसंग का एंड्रॉयड डिवाइस में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों मैं इस ऐप का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों मुझे कमेंट कर बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।